आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आज अमर जवान ज्योति से मैराथन दौड़ की शुरुआत यहां पर हो रही है और आपको सीधा लिए चलते हैं अमर जवान ज्योति, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमर जवान ज्योति से वो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। मैराथन दौड़ की तस्वीरें हम देख सकते हैं, कुछ ही देर में अब मैराथन शुरू होने वाली है। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग की ओर से ये मैराथन दौड़, आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीर आपको जयपुर के अमर जवान ज्योति से दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में मैराथन दौड़ शुरू होने वाली है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज, यहां पर उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हम साधुवाद देना चाहते हैं। आज आपने विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन एक विशेष साइकिल से आने की और एक संदेश देने की, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर। आइए, मैं अपने मीडिया के साथियों से कहूंगा थोड़ा सा सामने से जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, सामने आराम से जगह छोड़ दीजिए। सर 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 आ जाइए, ठीक है, आइए, अभिनंदन का समय है। एसोसिएशन की ओर से जो कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे यहाँ जो है, आप यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पृथ्वी जी वो खुद यहाँ पर साइकिल से मैराथन करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे पृथ्वी जी से कि यहाँ पर जो सर आप दौड़ में शामिल होने क्या कहना चाहेंगे सर, आप खुद साइकिल से आए सर, अब हालांकि वो बात करने के लिए, परंतु पहले वो मैराथन को अभी रवाना करेंगे। मैराथन है जो अंबेडकर सर्किल तक जाएगी, अंबेडकर सर्किल से वापस एसएमएस स्टेडियम है जो वहां पर आएगी। अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो नर्सिंग है वो यहां पे इकट्ठे हुए हैं और उनके द्वारा जो ये आयोजन किया गया है नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी आ गए हैं और बीडी कल्ला जो नर्सिंग छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और यहाँ पर उनका जो फूलों से स्वागत किया जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे साथी कैमरामैन जो है सुनील है, सुनील आपको यहाँ पर A1 TV के दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो रैली को रवाना किया जाएगा, यहाँ पर जो पृथ्वी जी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए हैं, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी आ गए हैं और जो अचल शर्मा जी है, जो एसएमएस हॉस्पिटल के अध्यक्ष है अचल शर्मा है वो भी आ गए हैं और यहाँ पर जो दौड़ का आयोजन किया जाएगा, दौड़ है जो यहाँ पर दौड़ी जाएगी मैराथन दौड़ में नर्सिंग सर्वा के करीब 8,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और सुबह 6 बजे से ही विधानसभा के सामने इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर बात की जाए कि अब जो फ्लैग ऑफ होगा उसके बाद अंबेडकर सर्किल होते हुए स्टेच्यू सर्किल से ठीक पहले से वापस घूमकर एसएमएस स्टेडियम पहुंचेगी और मैराथन दौड़ के अलावा यहां पर जो दिवसीय कार्यक्रम है उनका शुभारंभ हो गया। 7 अप्रैल मतलब आज से लेकर 9 अप्रैल तक का आयोजन किया जाएगा, इसमें राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिस महिला एवं पुरुष वर्ग की कबड्डी, वॉलीबॉल, म्यूजिकल म्यूजिकल चेयर, रस्साकसी सहित लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्क थ्रो, दौड़, गोला फेंक का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मेरे साथी कैमरामैन सुनील से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एक जो समारोह किया जा रहा है, मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ देर में यहाँ से मैराथन का शुभारंभ होगा और मैराथन के प्रति लोगों में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य को लेकर जो लोगों में जागरूकता के प्रति बताना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना है और भी स्वास्थ्य संबंधी योजना है उनका बखान किया जा रहा है और लोगों में उत्साह का माहौल है, नर्सिंग छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और यहाँ पर हाथ हिलाकर चीयर अप करके जो अपने साथी है उनका स्वागत किया जाए। आप यहाँ पे जो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अब
यहाँ पर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, अचल शर्मा जी का भी किया जा रहा है। यहाँ पर एसोसिएट्स के साथ है नरेंद्र सिंह शेखावत, वो भी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो और धावक है वो भी यहाँ पे साथ में है, और कुछ देर में यहाँ से मैराथन रवाना होगी। मैराथन यहाँ पे रवाना होने के लिए है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पृथ्वी वो आए हैं, और आपको बताना चाहेंगे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद साइकिल चला के आए हैं। मतलब एक आईएएस अधिकारी एक अधिकारियों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ऐसा देखा गया पहली बार कि एक लेवल का आदमी एक यहाँ पे व्यक्ति है जो यहाँ पर साइकिल से आए हैं, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। हम यहाँ पे जो रोड में उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से का माहौल है। सर यहाँ पे जो दौड़ के प्रति माहौल है, अब हो रही है इससे एक तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और दौड़ना प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने शरीर के लिए चाहिए। पहला सुख निरोगी का है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पहला सुख निरोगी का है, निरोग रहने व्यायाम करना, दौड़ना, ब्रिस्क वॉक करना, योगा करना, ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति जीवन में यदि एक्सरसाइज करता है तो वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। इसलिए इन प्रतियोगिताओं से नौजवानों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मैं समझता हूँ वर्ल्ड में कहीं पर भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान में जो अशोक जी गहलोत ने दी है, ऐसी योजना कहीं नहीं है वर्ल्ड में। मैं पूरे विश्व में कम से कम 10 कंट्री में गया हुआ हूँ। 25 लाख तक का इलाज निशुल्क और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लाभ आम लोगों को दिया गया है। ऐसी योजना कहीं देश में भी नहीं है, इसलिए इस योजना से गरीबों का, वैसे ही इस योजना को सुनकर उम्र बढ़ गई है, पर अब जो स्वास्थ्य का अधिकार जो दिया गया है उसके अंतर्गत आम आदमी महसूस कर रहा है कि मैं बीमार होऊंगा तो मेरा इलाज होगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। देखिए डॉक्टरों के बारे में भी जो भ्रांतियां थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर की है, और नर्सिंग स्टाफ वगैरह के लिए जो ओपीएस योजना शुरू की है पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने पुरानी पेंशन योजना शुरू की है, और आप देख रहे हो कि केंद्रीय सरकार की वित्त मंत्री निरंतर इसका विरोध कर रही है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जो है वो पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा, कर्मचारियों का बुढ़ापा जो है सही निकले और उनको उनकी सुरक्षा रहे। सरकारी नौकरी लोग क्यों करते थे कि उनको पेंशन मिलेगी, उनका बुढ़ापा सही गुजरेगा। इसलिए ओपीएस योजना जो है इससे सारा कर्मचारी वर्ग खुश है और इसका लाभ राजस्थान के लोगों को मिलने लगा है। देखिए जो अच्छे काम किए उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बार ये पहला मैं मौका देख रहा हूँ जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, जो नए कॉलेज खुले हैं उनकी जमीनें, मतलब क्या है कि अप्रैल से पहले ही कई जगह की जमीनें तय हो गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर, चीफ सेक्रेटरी अपने स्तर पर इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए बराबर बैठ के ले रहे हैं, और निश्चित रूप से बजट इम्प्लीमेंट होगा। कम टाइम क्या, हमारे पास 8 महीने, 8.5 महीने हैं अभी तक, 7-8 महीने में तो कुछ का कुछ हो जाता है। मैंने अभी 4 महीने पहले एक डिस्पेंसरी की शुरुआत की थी, वो आज बनकर तैयार है, परसों मैं उसका उद्घाटन कर रहा हूँ।
यहाँ पर जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, दौड़ में अभी बीडी कल्ला जी ने कहा कि जो सरकार की योजना है उनका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव तक मिल पाएगा। चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य संबंधी ओपीएस, ओल्ड पेंशन योजना है, ऐसी कई स्कीमें हैं जिनके माध्यम से जो आम जनता को बहुत फायदा मिल पाएगा। यहाँ पर दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जो सरकार की योजना है उनका फायदा मिल पाने से आम जनता को फायदा होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो आम जनता तक पहुंच पाएगी। और यहाँ बीडी कल्ला ने कहा कि डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद जो नर्सिंग ने जो काम किया है उससे उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और यहाँ पे भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करेंगे और यहाँ पे जो बीडी कल्ला जी है और जो प्रशासन शाखा सचिव है पृथ्वी जी, वो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के तैयार है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो उन्होंने सेवा, जो एक उन्होंने कोटेशन दे रखा है, वही आज आम आवाम को देखने को मिल रही है कि चिकित्सा विभाग की नर्सेज, चाहे वो बीकानेर से हो, चाहे जोधपुर से हो, कोटा से हो, जयपुर से हो, विभिन्न जिलों से यहाँ नर्सिंग कर्मी उपस्थित हुए हैं। नर्सिंग छात्र छात्राएं इस मैराथन में भाग लेने के लिए आए हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे निशुल्क जांच योजना हो, चाहे दवा योजना हो, मैं हमारे अतिथिगणों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि हमारे सर ये जो नर्सेज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन सबका मान सम्मान बढ़ाया है, इन सबका जो पदनाम परिवर्तन किया है, नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम सभी एक बार नारा लगाएंगे, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक गहलोत साहब ही थे, परंतु कोरोना उनके होने की वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। उनका संदेश, शांत रहे, उनका संदेश हमारे बीच में है। इस मैराथन दौड़ की उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की है। मैं इस मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ईश्वर से कामना करता हूं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें और फिर से इस राजस्थान की जनता की सेवा में लगे। मैं आज हमारे चिकित्सा मंत्री जी, सुबह उनको दिल्ली जाना था, वो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का सुबह शुभारंभ करके गए हैं और अभी थोड़ी देर में सम्मानीय बीडी कल्ला साहब
और डॉक्टर पृथ्वी जी और अन्य अतिथिगण फ्लैग ऑफ करके आपकी मैराथन का शुरुआत करेंगे और हम सब लोग जनता को, आम आवाम को हेल्थ अवेयर के प्रति एक संदेश देंगे और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी जो आम आवाम को जो चिकित्सा विभाग में जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उनको धरातल पर लाने के लिए नर्सेज कृत संकल्पित है, इसके लिए हम उनको विश्वास दिलाएंगे। धन्यवाद। अभी आपने यहाँ पर जो राजस्थान काउंसिल के जो चेयरमैन है शशिकांत का आपने उद्बोधन सुना, आप यह देख सकते हैं जो शिक्षा मंत्री है बीडी कल्ला है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पृथ्वी जी भी हैं और यहाँ पर प्यारे लाल जी भी है और नरेंद्र सिंह शेखावत भी है, यहाँ पर एसोसिएशन से जुड़े हैं जो पदाधिकारी भी हैं वो यहाँ पर मैराथन में, और यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर पृथ्वी जी वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मंत्री बीडी कल्ला साहब, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल से जुड़े हुए सारे पदाधिकारी जी, पदी अधिकारी एसएमएस से डॉक्टर शर्मा जी और बेंच पर उपस्थित सारे और नर्सिंग शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद और हमारे नर्सिंग साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि यूरोप और अमेरिका में जो नर्सिंग का स्वास्थ्य सेवाओं में रोल होता है वो ऑक्सेस का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में और ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं और ज्यादा कैसे रिलेवेंट हो सकता है, इस तरफ जो है हम सभी मिलकर के काम करेंगे। और आज इस प्रातः वेला में आप सब इतनी भारी संख्या में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए आए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीडी कल्ला साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बस उन पंक्तियों के साथ आपको बता देता हूँ कि एक व्यक्ति, आप शशिकांत जी आपके सामने खड़े हैं, उनका एक आह्वान था और 40,000 बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इस जनपद पर आज इतिहास लिख दिया गया है। सर आइए, आपके आशीर्वाद के साथ हम इस दिन को पूरा करना चाहते हैं। सम्मानीय पृथ्वी जी, प्रिय श्री शशिकांत जी, प्रिय श्री शर्मा जी अधीक्षक एसएमएस हॉस्पिटल, प्रिय श्री पूनिया जी हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के चीफ, शशिकांत जी मंच पर बुराजे हुए अन्य महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय गांधीवादी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की योजना लागू करके एक बहुत शानदार काम देश में किया है और उसके बाद आपके कई राज्यों ने इस योजना को लागू किया। कर्मचारियों के लिए बहुत एक तरीके से उनका जो अधिकार छीन लिया गया था उस अधिकार को देकर बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का अधिकार देकर एक गरीब आदमी जिसका हार्ट कमजोर हो गया है, किडनी फेल हो गई है, अच्छा फेफड़े कमजोर हो गए हैं, 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, ये अपने आप में इतनी बड़ी सौगात है कि आज राजस्थान निरोगी राजस्थान का जो सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हर परिवार को 25,000 लीटर पानी निःशुल्क
100 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, 2000 यूनिट बिजली फ्री, ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहला सूक्त निरोगी का है। निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। आज की ये मैराथन में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, ये नौजवानों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश देगी। मैं आप सब लोगों के ये शुभकामनाएं करता हूं कि आप अस्त रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और उत्तर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और हमारे पीछे ट्राई कलर के बलून है, मैं चाहता हूं कि आप बलून आप हवा में छोड़ दीजिए ताकि ये संदेश चले जाए। ये संदेश शिवम जी जहाँ के भी हो एक बार संपर्क कर लें, ये संदेश चले जाए कि आज आप लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है और इस नए को सलाम करते हैं, इस नए को प्रणाम करते हैं और शशिकांत जी को खासकर हम सलाम करते हैं कि आज उनके एक आह्वान पर इतने सारे लोग, इतने सारे सीएम आज इतने सारे सब कुछ छुटे कुछ नए तरीके से छुटे। और ये जितने भी हमारे गेट के बाहर की साइड जितने भी साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है आप सब गेट के अंदर की साइड आ जाइए। आप सब लोग एक साथ गेट के अंदर की साइड आ जाइए, जल्दी से चले आइए एक साथ गेट के अंदर की साइड। आइए आज के इस दिन को मुकम्मल तारीख बनाए। आज आप जिस आप यहां पर खड़े हैं मैराथन का फ्लैग ऑफ करें आदरणीय शशिकांत जी के साथ लेकर आज करें कि हम फिर अब मिलेंगे तो एक नया इतिहास जो बनाएंगे। हमारे अतिथि आदरणीय पृथ्वी सर, आदरणीय बी डी कल्ला साहब और आरती माथुर साहब, अंजन शर्मा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस तारीखी माकूल बनाने के लिए। आप सबसे अनुरोध है कि आप दौड़िए, दौड़ के आप स्टेचू सर्कल तक जाएंगे और स्टेचू सर्कल से पहले से आप वापस चले आएंगे। एक बार दौड़िए, जल्दी से दौड़िए, आप अपना रन स्टार्ट कीजिए, आप अपना रन स्टार्ट कीजिए स्टेचू सर्कल से, आपको दौड़ कर वापिस स्टेडियम में आना है। दौड़िए आप लोग, जी हाँ दौड़िए, आराम से दौड़िएगा, अपने साथी का ध्यान रखते हुए दौड़िएगा, एक दूसरे को हिट मत कीजिए, दौड़िए सर। और आगे जो भी गाड़ियां हैं उनका ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी गाड़ी आपको टच ना करे। आगे ट्रैफिक अगर खुला हुआ है तो ध्यान से निकलिएगा, स्टेचू सर्कल से पहले से ही आपको टर्न करके आना है, जल्दी से निकलिए। और ये हुजूम जो देख रहे हैं, ये हुजूम को सलाम है, इस हुजूम को कहीं ना कहीं इस जनपद पर नया इतिहास बनाते हुए आप देख रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। नर्सेस का ये पहला ऐसा आयोजन जो कहीं ना कहीं अपने संख्या बल के साथ यहाँ जुटा हुआ है, इस जनपद में जुटा हुआ है, जो कहीं ना कहीं विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट सर्कल तक पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अगर आपकी नजर जा रही है हाईकोर्ट सर्कल तक तो वाकई में केवल 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 सर दिखाई दे रहे हैं। और इधर की साइड जा अगर विधानसभा की तरफ अगर आपकी नजर जा रही है तो केवल 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 सर दिखाई दे रहे हैं। वाकई में सलाम है नर्सेस एसोसिएशन को, खासकर सलाम है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को, सलाम है कि इस जनपद पर आज इतिहास गढ़ दिया गया है, वाकई में इतिहास गढ़ दिया गया है। चले आइए, जो लोग दूर तक मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग भी आगे चले आइए और स्टेचू सर्कल तक आप लोगों को जाना है, वापस आपको यू टर्न करके आना है। यह एक इतिहास है, वाकई में एक इतिहास है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब लोग अनुशासन का ध्यान रखते हुए आराम से चलते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा,
कोई किसी को हिट ना करे, आराम से एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। चले आइए, जो लोग पीछे हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी आगे की ओर बढ़ते चले आइए। हमारे अतिथि अगर हाईकोर्ट सर्कल की तरफ नजर डालेंगे तो शायद उनको सर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देंगे। एक बार आप नजर डाल के देखिए। मैं आदरणीय कल्ला साहब को, आदरणीय पृथ्वी सर से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार नजर डाल के देखिए। हाईकोर्ट सर्कल पे केवल आपको सर ही सर नजर आ रहे हैं सर, और कुछ नहीं है। यहाँ ये गिनती करीब 30,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। सलाम है आप सबको आज इस तरीके से, और खासकर मैं सलाम करना चाहता हूँ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत जी को, तो उनकी एक आवाज पर, उनकी एक आह्वान पर पिछले इतने दिनों की मेहनत के साथ आज इतनी भीड़, इतने लोग जिनके एक आवाज में अगर जुटे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। आइए, मैं हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आग्रह करूंगा आदरणीय शशिकांत जी को। आदरणीय पृथ्वी सर को स्मृति चिन्ह, हमारे मंत्री महोदय भी हमारे बीच मौजूद हैं, अचल शर्मा साहब के लिए निवेदन कि आप स्मृति चिन्ह, आदरणीय आरपी माथुर साहब के लिए निवेदन है, आदरणीय आरपी माथुर साहब के लिए निवेदन है शशिकांत जी को।